नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाला है। दोस्तों हमें पता चला कि अपर पुलिस महानिदेशक इलाहाबाद ने एक सूचना निकाला जिसमें बताया कि 25,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों को निकाल दिया गया है। ये बात बोलते समय भी थोड़ा बहुत नहीं सोचा गया कि 25,000 वो होमगार्ड नहीं है, उनकी 25,000 फैमिली है। एक फैमिली में 8 से 10 लोग, 5 से 7 लोग रहते हैं, पूरी की पूरी फैमिली, वो भी किस समय पर उनको निकाला जा रहा है, जब दिवाली का समय है। हिंदू धर्म में दिवाली से पहले धनतेरस के दिन लोग सोना खरीदते हैं, लोग चांदी खरीदते हैं, उसके बाद दिवाली के दिन नए वस्त्र खरीदते हैं, पटाखे खरीदते हैं, इस तरीके के वो ढेर सारा उत्सव मनाने की कोशिश करते हैं। और वहीं एक तरफ 25,000 परिवार बैठ के घर में 10x10 के रूम में रोएंगे, कैसे मनाएं हम लोग दिवाली, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। फिलहाल उन लोगों ने मिर्जापुर और मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन किया और वहां पे कटोरे लेके लोगों से भीख मांगा और सरकार को दिखाने की कोशिश किया कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हम जनता से भीख मांग के अपने ड्यूटी को कंटिन्यू रखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं तो होमगार्ड की जो सैलरी मिलती है 4-4, 5-5 महीने की पेंडिंग सैलरी बाद में 6वें महीने में जाके मिलती है। वो बोल रहे हैं कि हमें अगर आप सैलरी 1-2 महीने में नहीं दे पा रहे हो तो बाद में ही देना, एटलीस्ट हमारी जॉब को तो कैंसिल मत करो। और उनसे बताया जा रहा है कि हमारी जो बजट है उसमें गिरावट आई है, इसकी वजह से हम कुछ लोगों को अभी जॉब से निरस्त कर रहे हैं, मतलब 25,000 लोगों को निरस्त कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाचार मिल रहा है कि 14 लाख लोगों को बोनस दिया जा रहा है। आपको लगता है कहां तक ये ठीक है? एक तरफ 14 लाख लोगों को बोनस दे रहे हो तुम, वो खुशी और उत्सव मनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, आप बोनस दो, हम बोनस के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक तरफ 25,000 परिवार का तभी तो क्या लगना था। इसका मतलब तो ये है कि जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके आप साथ हो, जो छोटी सी कम इनकम वाले लोग हैं उनके साथ आप हो ही नहीं। शायद हमें ये सोचना पड़ेगा, ये वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद था कि हम थोड़ा बहुत जो सहयोग कर सके अपने होमगार्ड भाइयों के लिए, थोड़ा सा सहयोग करें, इस वीडियो को यार इतना वायरल करना कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचे और उनको भी सोचने में लगे कि नहीं, हमने जो फैसला लिया शायद ये गलत लिया, और शायद उनका कुछ फैसले में परिवर्तन हो जाए जिससे कि हमारे 25,000 परिवारों को खुशहाली मिले और अच्छे से वो दिवाली को सेलिब्रेट कर पाए, जैसा कि आप और हम करने की कोशिश कर रहे हैं वैसा वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको ही पता होगा होमगार्ड की एक जिंदगी बहुत आम जिंदगी होती है। वे कभी 11 माह की जॉब पा जाते हैं, कभी 10 माह की जॉब पा जाते हैं, इस तरीके से उनके जीवन का निर्वहन होता है। और अगर अचानक से जीवन के निर्वहन में जब रोक लग जाएगी वो कहां जाएंगे? सरकार हमने बनाई थी रोजगार पाने के लिए, रोजगार से निकालने के लिए नहीं। और आप देख रहे हैं जिधर देखिए उधर धरना प्रदर्शन, लोगों को सैलरी नहीं मिली। अभी मैंने एचएल के बारे में आपको बताया, जिधर देखिए उधर ये कंपनी बंद करने का है, ये बंद, ये कंपनी हमारी गिरावट में जा रही है। यार यही करना है क्या चारों तरफ? इसके लिए हमने आपको नहीं चुना है। हमने आपको चुना था कि हम रोजगार पा सके, हमने आपको चुना था कि हमारे जीवन में समृद्धि आ सके। और शायद आप सभी इस वीडियो को वायरल करके उत्तर प्रदेश सरकार तक ये बात जरूर पहुंचाएंगे और शायद हमारे भाइयों के लिए थोड़ी सी खुशहाली आ सकेगी। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा और उसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी भाइयों तक ये पहुंच जाए और फिर लोगों को पता चले कि हाँ ये गलत है, तो शायद कुछ लोग उनके विरोध प्रदर्शन में साथ आ सके और सरकार को दिखा सके कि हाँ ये गलत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।